हरीश तिवारी सिंह साहब को डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उसके निदेशक द्विवेदी जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि हमें इस विषय पर दो शब्द बोलने का अवसर दिया। जैसा कि विषय है संगीत का मानव जीवन पर प्रभाव, संगीत जो है एक तरह से लिया जाए कहा जाए तो मानव पे ही नहीं हर जीव जंतु पे इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के लिए ही नहीं ये सबके लिए ही बहुत ही आवश्यक है। इसका प्रभाव देखा गया है सभी जीव जंतुओं पे, पेड़ों पौधों पे, मन पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं सब पे संगीत प्रभाव देखा गया है, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है। और मानव जीवन में तो भारतीय संगीत जो है इसको जैसे मानव को, अब जैसे हम संगीत के विषय के बखो के टाइम कम है तो इसमें संगीत के बारे में तो सबको पता ही है कि संगीत किसे कहते हैं, ये ना कह के इसके महत्व पे हम प्रभाव डालें, इस पर ध्यान आकर्षित करें आपका। तो संगीत जो है जैसे मानव के लिए, पेट के लिए या शक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा का जो संगीत, शरीर के आत्मा का भोजन जो है संगीत है। संगीत को आत्मा का भोजन कहा गया है। और जो है अगर यही न हो तो जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है। सभी चीज़ें हैं आपके पास और आप नहीं, अब दो दिन न आए आप तो कोई भी व्यक्ति ये बोले कि हमें संगीत पसंद नहीं है तो हो ही नहीं सकता है। किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। जो बोलता है नहीं पसंद है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुनगुनाता तो होगा या बाथरूम में ही गाता होगा। तो इसलिए संगीत जो है मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हम तो इससे इस विषय रिसर्च किए हैं। तो इसमें ये था वेदों में संगीत कैसे था, वैदिक काल में संगीत कैसे था, उसके पहले कैसे थे, उसके पहले का तो कल्पना से हम जोड़ सकते हैं। संगीत जो है मनुष्य जब बहुत होता है तो अनायास ही कुछ गाने लगता है, दुखी अवस्था में गाना नहीं निकलता। इसलिए जब हेलो कम आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है, बोले आ रही है, आ रही है, ऐसे ही। हेलो हेलो आ रही है ना, हाँ तो कहाँ तक बिल्कुल नहीं आवाज़ आ रही थी, हाँ तो आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, ये तो बात है भूल गया। ये बोल रहा था
में कि मनुष्य जब खुश होता है तो उसके मुंह से अनायास ही संगीत निकलने लगता है, या नहीं कुछ हो तो अगर मुंह से नहीं बोलेगा तो हाथ पे ही कुछ न कुछ, हाथ पे ही ताली देने लगेगा, या हाथ पे ही ढोलक बजाने का या कुछ करने का उसको वो अनायास उसका हाथ पैर के जंघे पर जाके ऐसे करना लगेगा जैसे। तो ये संगीत, ये वो आवश्यक है, आवश्यकता है शरीर में संगीत की, हमारे भारतीय संगीत की, कि ये नेचर से संबंधित है, नेचर नेचर के बहुत ही करीब है। तो नेचर में जैसे हम जो भी हम साज शास्त्रीय संगीत में यूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक साज ज़्यादा यूज नहीं कर, अभी इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ गए हैं, तो तबला भी लकड़ी से बनता है, चमड़े से बनता है, कुछ तानपुरा जो बनता है वो लकड़ी से बनता है, उसमें तार लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब हमारा भारतीय संगीत, हम इसे भारतीय संगीत के लिए बोल रहे हैं कि ये नेचर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये प्राकृतिक है, और जो है इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, यानी कहने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह भोजन जरूरी है, भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से ये आत्मा का भोजन कहा गया है। संगीत जो है ये आत्मा का भोजन है, बाकी चीज़ें जो है पेट के लिए हैं, और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमारा संगीत है। और भारतीय संगीत जो है, ये हम जो करते हैं, ये बहुत प्राचीन है, वेदों में इस चर्चा है, वैदिक युग में इसकी चर्चा हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सामवेद में पूरा संगीत के बारे में ही है, ऋग्वेद के मंत्रों को स्वरबद्ध किया गया है। तो समय भी, उस काल भी कोई ये जो ऋषि मुनि करते थे को तो वैदिक अपना सामगान तो करते ही थे, वो जैसे सामगान के अतिरिक्त जब समाप्त होता था, समाप्ति जब होती थी, उस समय का लोक संगीत जो था, उस समय उसका गायन करते थे कलाकार, और नृत्य का भी था उसमें। वेदों में ऐसा बताया जाता कि ब्राह्मण वधुएं उस समय सिर पे गगरी लेके वर्तूलाकार होके नृत्य करती, मानी ये मनोरंजन यज्ञ की समाप्ति, किसी यज्ञ की समाप्ति भी के बाद भी उत्सव मनाते कि यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। उस समय भी ये बहुत ही आवश्यक माना जाता, अगर आवश्यक नहीं हो तो क्यों उसको सम्मिलित किया जाता। बाद में सभी ये हमारे महाकाव्य जो हैं, जैसे रामायण, महाभारत, सब में इसकी चर्चा हुई है। रामायण में बताया गया कि रावण संगीत का बहुत बड़ा विद्वान था, वो वीणा बजाता था, बाकी में सब चीज में दक्ष होने के कारण, सभी चीजों में, जैसे युद्ध में दक्ष, वेद में दक्ष, सभी चीजों में महापंडित, उसके साथ संगीत का भी ज्ञान था। उसमें लिखा गया है कि वीणा, उस समय प्राचीन काल में वीणा वाद्य जो था, वीणा वो प्रसिद्ध था, वो उसको बजाते थे। उसमें कई जगह चर्चा सर उसमें रामायण के में आई है, कई जगह जैसे कृष्णकंधा पर्व, ये सुग्रीव के दरबार में नृत्य होता था, समय भी ऐसा वर्णन है। महाभारत काल में भी वर्णन है, महाभारत काल में बताते हैं कि अर्जुन जो है
में शिक्षा देते थे व्यक्ति पुत्री को। ये चीजें हर जगह हर काल में ये अब महत्वपूर्ण नहीं होता तो क्यों इसको वो करते लोग, इसकी आवश्यकता नहीं होती। और आज हम जो ये आज के आधुनिक समय में भी हम मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल पे गाना चला के देखते हैं। इसके पहले जब भी मोबाइल नहीं था पिक्चर में लोग जाते थे, एक महीना अगर हो गया भाई पिक्चर देखे, एक महीने में चलो अब चल के हॉल में पिक्चर देखें, संगीत सुने। गांव में भी लोग लोकगीत गाते हैं, इसमें लोग बैठक होती है। स्कूलों में भी हर सांस्कृतिक अवसर पर, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर संगीत का भी कार्यक्रम रखा जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, बसंत पंचमी, उसमें जो है ये इसलिए कि ये बहुत ही आवश्यक अंग है, ये इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसकी जो है चर्चा, जैसे ये आज से, जैसे मैं कुछ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हम अभी भी हम जो भारतीय संगीत गा रहे हैं ये हम वेद को देखते हुए गाते हैं। जो भी इसमें कर रहे हैं वो सब शब्दों में लिखा हुआ है, हम नया नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ नया कर रहे हैं तो भी हमको अगर ध्यान से उसके पीछे जाएंगे तो पता लगेगा कि वेदों में इस चीज़ को हमने लिया यहाँ। अब वेदों में जैसे हम जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत हम राग गाते हैं, उसमें जो है सबसे पहले तो वैदिक काल में जो ये आपका साम गायन था उस समय के लोक धुन पे आधारित था, सबसे प्राचीन लोक संगीत है। लोक संगीत से ही वेदों में आया ये, क्योंकि वेदों की ऋचाओं को उस समय के प्रचलित लोक धुन में ही उसको लिपिबद्ध कर गया था। उस समय क्या धुन थी, और जो है वेदों में ये भी है। जैसे हम आज के समय हम अपने भारतीय संगीत दरी संगीत की बात करना चाहें, क्योंकि हम दरी संगीत गाते हैं, स्त्री संगीत बोलते हैं, उसके बाद ठुमरी गाते हैं, भजन गाते हैं। तो रंगदारी संगीत हमारे बहुत ही कई नियम हैं, इसमें ये आरोह होना चाहिए, अवरोह होना चाहिए। उसी प्रकार एक नियम ये भी है, ये राग इस समय ही गाना चाहिए, हर समय का हमारे उसमें राग बने हुए हैं। जैसे प्रातःकालीन जो राग गाएंगे वो दोपहर में ही गाएंगे, प्रातःकालीन में उसमें भी सुबह से दोपहर तक जो राग बना है, जब दोपहर आएगा दोपहर में अलग राग हैं, सायंकालीन राग अलग हैं। तो ये चीज़ें जो भी ये वेदों में बहुत सारा एक जगह है जिसमें एक सवन संज्ञा लिखी हुई है, सवन संज्ञा, सवन नाम से एक शिक्षक है, उस पर पढ़ने पे पता चलता है। उसमें जब यज्ञ होता है वनस्पतियों को कूट कर, यानी उसमें तो लिखा है कि सोम को कूट कर सोम रस उत्पन्न किया जाता था। तो हमारे ख्याल सोम का मतलब वही वनस्पतियाँ होंगी, उनको कूट करके सोम रस उत्पन्न किया जाता, सोम रस जैसे बनाते हैं उससे निकाला जाता था और उसको आहुति दी जाती थी। तो तीन टाइम होता है सवन, तीन टाइम ये आहुति दी जाती थी, प्रातःकाल और मध्यकाल और सायंकाल। प्रातःकाल में जो जो ये क्रिया होती थी सवन की वनस्पतियों को उक्त कर, तो उसमें मंत्र का उच्चारण होता था। मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसको कूटते वक्त जो है मंत्र का उच्चारण करते थे और जो है वो उस निकाल के उसको उसमें आहुति देती थी। और प्रातः मध्यान्ह काल में दोपहर में भी था, तो हर समय अलग अलग मंत्र थे। तो प्रातः काल में जो होता उसको प्रातः सवन बोलते थे और मध्यान्ह काल में जो होता उसको मध्यान्ह सवन बोलते थे, सायंकाल में जो होता तो सायं सवन बोलते थे। तो हमारा जो संगीत का जो समय बनना है, हम ये राग इस समय गाएंगे, ये बीज रूप वहीं से निकला है, ये सवन संज्ञा जो वहीं से इसका बीज रूप निकला है। और इसके अतिरिक्त जो है उसमें
हर समय के साम थे। जैसे साम गान में कई तरह का, जैसे हम राग बोलते हैं ये राग, तो उसी तरह से ये साम थे, कई नामों पे साम थे। किसी ऋषि के नाम से साम हो गया, या कुछ जैसे जैसे रथंतर साम, बृहत साम, बैरूप साम, ऐसे अलग अलग साम थे। तो रथंतर साम जो था बसंत ऋतु में गाया जाता था, और बैरूप साम जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता था। तो उसी प्रकार जैसे हम बसंत ऋतु बसंत गाते हैं, बहार गाते हैं, तो उस समय जो ये रथंतर साम में, रथंतर साम ये बसंत में ही गाया जाता था, उसको और ऋतुओं में नहीं गाते थे। और ये हमारा जो है बैरूप साम जो था, इसको जो है ये वर्षा ऋतु में गाते थे। वर्षा ऋतु में जैसे हम आज मल्हार के प्रकार गाते हैं, या लोक संगीत वाले लोग जो है ये कजरी गाते हैं, तो या सैनिक क्लासिकल वाले लोग कजरी गाते हैं, या हम रागदारी संगीत गाने वाले लोग राग मल्हार, मल्हार के जितने भी कार हैं सब वर्षा ऋतु में गाते हैं। मल्हार, गौड़ मल्हार, सूर, या जैसे सूर मल्हार आ गया, इसके बारे में भी बताएंगे। अब सूर मल्हार नाम पे, जैसे उसमें ऋषियों के नाम पे साम होते थे, तो उसी प्रकार जो है कई इसे साम हैं। तो उस प्रकार जैसे बाद में नामों से कुछ राग, नामों से साम थे उस समय, उसी तरह मल्हार में भी किसी के नाम से राग, जैसे सूरदासी मल्हार, रामदासी मल्हार, रामदास जी का बनाया हुआ राग था, वो भी अकबर के दरबार में थे, तानसेन से पहले थे, तानसेन मियाँ, तानसेन बोलते हैं उनको, या तो उन्होंने मियाँ मल्हार बनाया। इसी तरह से सूरदासी मल्हार, रामदासी मल्हार, हरिदासी मल्हार, इस ऐसे नामों से हम इसमें ऋतुओं पे जो मल्हार हैं वो तो अलग अलग मियाँ मल्हार, गौड़ मल्हार तो हैं ही, अब उन लोगों के बनाए हुए नाम से भी मीरा का मीरा मल्हार, और दो रागों को जोड़ के भी मल्हार, दो राग मल्हारों को मिल के मिला के और राग को मिला के ही बनाए हैं इस मल्हार। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम नई नहीं, ये पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही है। हाँ, उसका रूप धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तित हुआ है, जैसे आदमी का भी तो बहुत सारा चेंज हुआ है पहले के दिल दौड़ में, उसके बाद फिर रहन सहन में, उसी प्रकार इससे भी प्रभाव पड़ता है हमारे हमारे संगीत भी, ये समय का प्रभाव है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो है, सब चीज़ों को देखने से यही विदित होता है कि हमारा संगीत जो है ये बहुत ही महत्व है इसका मानव जीवन में। मानव जीवन के अतिरिक्त भी जैसे जीव जंतुओं पे भी हमारे इसमें रिसर्च हुए हैं, जैसे पंडित ओंकार नाथ जी ने रिसर्च किया था, पंडित ओंकार नाथ जी का नाम बहुत है, वो उनको बोलते हैं संगीत मार्तंड पंडित कारनाथ जी बोलते हैं, वो ग्वालियर घराने के गायक, और बनारस हिंदू संस्कृति मदन मोहन मालवी ने उनको स्पेशल बुलाया वहाँ, उनको वहाँ शिक्षा देने के लिए। तो उस परंपरा से भी मैं जुड़ा हूँ, हमारे गुरु जो पंडित भट्टाचार्य की और आचार्य नंदन जी से उनके शिष्य थे, तो उन्होंने भी रिसर्च किया है कि उनका भी कुछ राग सिद्ध थे, जैसे मियाँ मल्हार गाने पे बारिश आएगी, मतलब कुछ न कुछ फील तो होगी होगी। और भैरवी पे उन्होंने भी किया था कि भैरवी गाने से एक गुलाब के पौधे को देखा कि वो जो उसका वैज्ञानिकों ने देखा कि इसका बढ़ने का इतना टाइम, इतने दिन में से इतने बढ़ सकता है इसका पौधा, तो उस पर उन्होंने रिसर्च किया कि इनका गाना सुन के उस समय कुछ ज़्यादा ही उसमें बढ़ोतरी हुई थी। तो इस तरह से देखा जाता है इन सब चीज़ों को। उन लोगों का जैसे कई हमारे गुरुजनों ने बताया कि ऐसा रिसर्च किया था, ओंकार नाथ जी का गाना था ऐसा कि लोगों को रुला दें,
फिर लोगों को खुश कर दें उधर, तुरंत रोनाना तुरंत फंसाना भी, ऐसे उनके गाने में ये बात आती। और जो है और भी बाद में भी जो कलाकार हुए जैसे हम गुरु पंडित भीमसेन जोशी जी, उनके भी गाने हैं, तो वो उनके भी गाने बताते हैं कि उनके भी गाने से बारिश हुई, शुरू में इतनी ताकत थी और क्या बोलते हैं कि वो तो समझ ही में चला जाता था आदमी का गाना सुनकर। कोई ये बोले कि हमें संगीत पसंद नहीं है, जो बोले हमें शास्त्रीय संगीत भी नहीं पसंद है, उनको अगर सुनवा दी तो गारंटी था मैं अगर 10 दिन गाना सुन ले। दस अगर गाना सुन ले तो फिर उसको दूसरा कोई संगीत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं संगीत का अपने जैसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो लोग सुनने आते, वो लोग बताते हैं और उसमें जैसे जो शास्त्रीय समझने वाले हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो संगीत नहीं समझते वो कभी कभी आते हैं सुनने के लिए, जो संगीत नहीं पता है उनको फिर भी वो जैसे बाद में जैसे बोल के जाते हैं कि हमें बोलते हैं कि मिस्टर तिवारी का मैं राग नहीं जानता हूँ कि आपने राग कौन सा गाया, लेकिन मैं फुल एंजॉय किया हूँ। तो ये जो है ये हमारे भारतीय संगीत का ही वो है, सीखी है उसकी कि अगर हाँ ये है कि ये हमारा भारतीय संगीत जो है तो सुनने के बैठेंगे कोई जल्दीबाजी में नहीं बैठ, हमारा जल्दीबाजी का सब्जेक्ट नहीं, इसमें इत्मीनान से रखना पड़ेगा आपको, कुछ समय देना पड़ेगा, आस्था विश्वास हमारा ये सब्जेक्ट आस्था विश्वास भरपूर है, पूरा पूरी आस्था भरी हुई है इसमें, नास्तिक आदमी के लिए नहीं है ये और देशद्रोहियों के लिए भी नहीं है, जो देशद्रोही हैं उनके लिए भी नहीं है ये भारतीय पूर्व भारतीय संगीत, मैं बोल रहा हूँ बार बार भारतीय संगीत, इसमें भारतीयता होगी वही इसको बखूबी गा सकता है, वही सुन वही उसको अच्छी तरह सुन सकता है, इसको देश से ही जब प्यार नहीं है तो क्या करेगा। और यहाँ भारतीय संगीत प्रेम का भूख है, इसको गाने के लिए भी प्रेम गाना पड़ता है, और श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा भक्ति रखनी होती है, श्रद्धा भक्ति उसके पास जाएंगे, श्रद्धा भक्ति से जाएंगे, उसमें कोई चालबाजी से नहीं जाना था। और इसको सुनने के लिए भी दिल का दर्पण पूरा साफ करके रखना पड़ता है, तो ये इसमें जो है इसकी खूबी है, बड़ा पवित्र मन से गाया जाता है। तो कितने लोग कितना समझते हैं ये, कई लोग इसको जैसे केवल मौज मस्ती का ही, मौज मस्ती ठीक है आप उदास हैं, मौज मस्ती, मौज मस्ती का मतलब बहुत सारा लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये सात्विक संगीत है, ये आपको शांत कर देता है, ध्यान से अगर देखें तो ये आपके मन को, आप ध्यान से सुन के देखिए, कोई राग उठा के देखिए बड़े बड़े कलाकारों का जो सिद्ध हैं, नए लोगों का भी सुनिए और पुराने जैसे पंडित रविशंकर जी का सितार सुनिए, पंडित आचार्य जी का बांसुरी सुनिए, सुनील कुमार शर्मा जी का, पंडित कुमार शर्मा का संतूर सुनिए, पंडित भजन गोरी जी का संतूर सुनिए, पंडित भीमसेन जी का गाना सुनिए, पंडित जसराज जी की रिकॉर्डिंग, अभी कई लोग हैं जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, पंडित रविशंकर जी, ये लोग नहीं हैं, जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए आप तो आपको अनुभव होगा कि क्या है उसमें। इसमें अब ऐसे नहीं जैसे उस संकल्प दिमाग से नहीं कर सकते, जैसे चलना जल्दी, हाँ भाई जल्दी लगाओ 2 मिनट में सुन सकते हैं, इसके लिए आप एक टाइम बनाइए और आपको बहुत जीवन में बहुत फायदा करेगा ये। ये हमारा जो है भारतीय संगीत है, ये आपको बहुत आनंदित करेगा और इसका जो असर है वो स्थायी असर है, ये नहीं कि तुरंत ये, क्योंकि हमारे संगीत में ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जैसे मेरे गुरु जी का पंडित भीमसेन जोशी का गाना सुनेंगे आप तो ऐसा नहीं कि आए और दिमाग से उतर गया, कम से कम 10-15 दिन उसका फ्लेवर दिमाग में रहता है। तो ये ईश्वर की कृपा जब होती है तो ही उस कलाकार पे है, उसके गाने में ये बात पैदा होती है, उसका गाना सुन के आप जाएंगे, उतनी साधना किया है, वो साधना है उसके गुरु, और साधना करने के बाद ईश्वर आशीर्वाद देते हैं।
सकते हैं, अगर सात्विक भावना से आप साधना करें तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो ये आनंद जो आपको देगा, ये स्थायी आनंद प्रदान करता है हमारा शास्त्रीय भारतीय संगीत। तो ये इसकी सभी विशेषताएं हैं। और समय कम है और अब समय भी शायद आने ही वाला है, कुछ समय एक दो मिनट और हैं इसमें। तो ऐसा मेरा जानना है कि भारतीय संगीत का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। अब इसको बयां नहीं किया जा सकता है कि शब्दों से कि कितना महत्व है इसका हमारे संगीत में। अगर संगीत देखेंगे तो गायन वाद्य नृत्य तीनों तब मिल के संगीत बन है। तो तीनों चीज़ें गाना सुनिए, डांस भी देखिए, डांस में भी बहुत सारा है, कथक है, भरतनाट्यम है, अब कथक में भी कई घराने हैं और वाद्य वाद्यों में तार तबला है। ये सब चीज़ें आप सभी सुने और उसका आनंद लें। और क्योंकि ये भारत में रहकर भारतीय संगीत आप नहीं सुन रहे हैं, रागारी संगीत नहीं सुन रहे हैं, तो फिर तो कोई भारत से जब देशभक्ति अगर है अगर आपके अंदर, तो जो है इसको सुनिए, इसका आनंद लीजिए। और हमारा पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जैसे ये यूपी है ना, यूपी का ही, उत्तर प्रदेश का ही है ना ये, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भाषाएं बोली जाती हैं, लोक भाषाएं, हमारे शास्त्रीय संगीत जितनी बंदिशें, चाहे वो कर्नाटक का गला कलाकार हो या बंगाल का कलाकार हो या मद्रास का कलाकार हो, उसी बंदिश को गाता हो, सभी बंदिशें लगभग भोजपुरी में हैं। अवधि, ब्रजभाषा, भोजपुरी, भोजपुरी में बहुत, भोजपुरी के बहुत सारे शब्द प्रयोग हैं, गैलबा गैलबा हैं, उत दिनन से, ये जो उसमें प्रयोग हुआ है। और इसका भी अगर कभी समय मिलेगा तो प्रयोग किया गया भोजपुरी भाषाओं का उसमें संगीत में, तो भोजपुरी भाषा जो है इसमें सांगीतिक तत्व हैं, कई भाषाएं खड़ी की हैं, सीधे सीधे बोलते हैं, इसमें जो है ऐसे घुमावदार है। जैसे हम बात करते हैं संगीत की, जैसे किसी से बात करते हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, अब कोई ऐसे बोलेगा सीधे कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हो, ऐसे सीधे बोलेगा। लेकिन अपने यहाँ जब कोई आदमी बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, ये कितना आंदोलन है, कहाँ जा रहे हैं, अरे कहाँ से आ रहे हैं, ये जो है, ये जो बीच में आ रहा है ना, ये सब क्रांति तत्व हैं, सब मीड़ है, गोलाई है। इसलिए ये अब हम ही उत्तर भारत में रह के और बिहार में रह के शास्त्रीय संगीत नहीं सुनते। बिहार में बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं, लेकिन यूपी में ये उदासीन है, उदासीनता है इस मामले में, केवल बनारस में लखनऊ में है सुनने वाले, बाकी जगह पे नहीं है। शास्त्रीय संगीत आते हैं बंद कर देंगे, ठुमरी आते बंद कर देंगे, और खाली लोकगीत सुनेंगे। ठीक है, लोकगीत भी सुनिए, ये भी समझिए कि भक्ति संगीत है हमारा भारतीय, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और ये जब तक रहेगा, रहेगी दुनिया तब तक रहेगा। तो ये चीज़ है इसमें, देखिए इसमें क्या कमेंट क्या आ रहे हैं। तो यही, ये क्या बोलते हैं, सागर बताइए, इसमें कमेंट कहीं कुछ आ रहा है, इसमें लिखा हुआ कोई खास कमेंट नहीं मिला है। कोई खास कमेंट तो दिख नहीं रहा है, तो नाम अपना बता रहे हैं, मैं वहां से हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप जैसे किसी को पूछना हो तो मोबाइल से पूछ सकते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन अगर है माइक से पूछ सकते हैं, वो तो सब अपने घर से देखेंगे। अभी पूछना हो
माइक के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट को करना जो है मुश्किल है, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, कमेंट है कितना पढ़ेंगे। जी 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 देवेंद्र प्रताप क्वेश्चन तो नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बातें ने बताई, कोशिश की, और एक कमेंट में तो कुछ ऐसा कुछ कमेंट नहीं आया है जिसका हम उत्तर दें। अगर कुछ बोलता तो मैं दे सकता था। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो मैं इस विषय में बातें किया हूँ उस पर कुछ परसेंट भी अगर कुल होती तो बहुत ही लोगों को लाभ होगा। ये सभी बातें हैं और स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जैसे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देने के टाइम इतने जो है वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ करते हैं, ये हमारा भारतीय संगीत अब करने से रोकता है। तो इसका भी हमारे ख्याल से स्कूलों में एक टीचर होने चाहिए, और जो है उनका क्लास चलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तहत तो भारतीय संगीत के लिए भी अच्छा होगा, और क्या बोलते हैं सभी इससे लाभान्वित होंगे। तो इसी सब के साथ में, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य जो है समाप्त करता हूँ। आप ही को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।